Oh, hello guys, welcome back into my YouTube channel again and another video. फिर से मैं आपके साथ आ गया हूँ एक न्यू मुकबैंग वीडियो लेके, जिसका आपको काफ़ी टाइम से इंतज़ार था. मैं थोड़ा वीडियो गिरने में लेट हो रहा हूँ क्योंकि वगैरह वाले. तो आज मैं सोचा थोड़ा अलग करते हैं. आज मैं कुछ आपका जाना बचाना सही लाया हूँ, जो मैं पर्सनली जा कर के लाया हूँ. इसमें हमारा लच्छा पराठा और कुलचा है, साथ में मैं आपको दिखा देता हूँ. ओके, चलो पहले प्लेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं. तो फाइनली हमारी प्लेटिंग हो चुकी है. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास है शाही पनीर, सिरके वाली प्याज, छोले, यहाँ हमारे पास है आलू प्याज कुलचा, साथ में पनीर कुलचा, और यहाँ पे हमारे दो लच्छेदार पराठे. खुशबू, टेक्सचर और क्रिस्पीनेस काफ़ी अच्छी है. इन दोनों को चेक करना भी बाकी है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, बाकी बात में बात करते हैं. ओके, सबसे पहले हमारा Nice. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने आलू प्याज कुलचा से. तो हम इसको छोले से ट्राई करेंगे. दिस इज फर्स्ट बाइट ऑफ आलू कुलचा एंड छोले. कुलचे में जाने, छोले में उतनी नहीं. एवरेज एवरेज. उसके बाद हमारा पनीर प्याज कुलचा, ये भी हम पहले छोलों से ट्राई करेंगे. एक्चुअली क्या है, मैं दाल मखनी भी लेने गया था, लेकिन आज संडे होने की वजह से दाल उनके पास खत्म हो गई, जो दाल काफी अच्छी लगती है मुझे, मखनी दाल. तो आज मुझे सिर्फ इनसे ही काम चलाना पड़ा. ये आलू प्याज सॉरी पनीर प्याज कुलचा. सेम इसमें प्याज की क्वांटिटी काफी ज्यादा है, बट पनीर की कम है, इसलिए इसको प्याज कुलचा कहेंगे, पनीर प्याज कुलचा नहीं. इसके बाद हमारा लच्छा पराठा. थोड़ा बड़ा बाइट लेते हैं. आई होप अच्छा पराठा अच्छा रहेगा. क्रिसमस काफी अच्छी है, मेकिंग काफी अच्छी है, एक एक तह खुल के आ रही है. काफी अच्छा है. नाउ शाही पनीर. पनीर लेट्स हैव अ लच्छा पराठा विद शाही पनीर. दिखा तो चुका हूँ.
शाही पनीर में काफ़ी अच्छा टेस्ट है, स्वीटनेस है जो जाहिर सी बात है शाही पनीर में होती है। अब हमारा पनीर प्याज कुलचा विद शाही पनीर, चीयर्स। इसको चबाने में काफी मेहनत करनी पड़ रही है। फाइनली खत्म हो गया। अब हमारा आलू प्याज कुलचा विद शाही पनीर। बोर हो रहे हो ना बार बार वही रिपीट 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 रिपीट, वो भी बोली ये प्याज की आवाज मुझे काफी अच्छी लगती है, जैसे लाइक साउंड म्यूजिक। कुलचा की थिकनेस काफी अच्छी है। प्राइस और वर्थ काफी अच्छी है। दालचीनी इसको मैं स्पून की तरह यूज कर रहा हूं। सही मायने में अमृतसर में कुलचे को छोले के साथ खाया जाता है, जो कि काफी डिलीशियस लगता है, सच्ची बताऊं, क्योंकि मैंने खाया हुआ है। अमृतसरी कुलचा सो गुड, बट यहाँ पे सारा मूड खराब कर दिया उन्होंने। छोले बस ये है कि खाने लायक हैं, टेस्ट बिल्कुल सन्नाटा है, नील बड़ा सन्नाटा। पनीर में थोड़ी बहुत जान है जिसने संभाल लिया है, बाकी ये वीडियो मेरी बिल्कुल स्पॉइल हो जाती है। बाकी मेरा मेन फोकस आज कुलचों पे था, क्योंकि मैंने इनका काफ़ी नाम सुना था जहाँ से मैं लाया हूँ कि भाई इनके कुलचे काफ़ी अच्छे हैं, लच्छा पराठा काफ़ी अच्छा है। बट मखनी दाल अच्छा हुआ, शायद मुझे नहीं मिली, हो सकता है कि वो ज़्यादा ही नीचे चले जाती, बट छोलों ने मेरा बिल्कुल मुझे डिसअपॉइंट किया है। प्याज का भी कुछ मतलब नहीं बैठता, कटी हुई और ऐसे ही डाल दी यार, कोई नहीं। बट आप फूड एंजॉय कीजिए, इस टेस्ट को फील कीजिए। मेरा छोटा भाई वहां से एक्टिंग कर रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग है।
हैवीनेस देखेंगे आप कुलचे की, ये आधा मैं फिनिश कर चुका हूँ तब भी काफ़ी हैवी है, और स्टफिंग काफ़ी लोडेड है, मुझे शाही पनीर के साथ ही मज़ा आया। और मेरी हर वीडियो पे मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो टाइम टू टाइम अपडेट होती रहे, और ना बेल आइकन भी दबाना ताकि आपको जब भी मेरी वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। ओके तो से प्लीज़ लाइक। तो हम अपना फूड फिनिश करते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करते। और मुझे सजेस्ट करना ना भूलिए कि मैं अगली वीडियो किस चीज़ पे बनाऊँ। वैसे एक कमेंट तो आया है कि भैया मटन पाए पे कब बनाओगे, तो फ्रेंड आई होप मटन पे भी मैं शायद बनाऊँ, बट मुझे अपने पेरेंट्स से इजाज़त लेनी पड़ेगी क्योंकि मटन थोड़ा बहुत हमारा नहीं चल पाता। ओके चिकन हमारा अलाव है, एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस एंड माय कैट वॉइस। तो अब आते हैं हमारे रेटिंग के बारे में। सबसे पहले हमारा आलू प्याज कुलचा जो काफ़ी अच्छा था, जान थी इसमें। उसके बाद हमारा पनीर प्याज कुलचा काफ़ी हैवी था, लोडेड था। इसके बाद हमारा लच्छा पराठा जो काफ़ी क्रिस्पी था, बट इसको थोड़े खाने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि ये चुभ रहा था, काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी था, ओवर क्रिस्पी था। फिर इसके बाद हमारे छोले जिस जो कुलचों के साथ जान होनी चाहिए थी, डिसअपॉइंटेड। शाही पनीर इसने थोड़ा कवर कर लिया क्योंकि इसमें हल्की सी स्वीटनेस है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, ऊपर से क्रीम जिसका इसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा लगा मुझे। ओवरऑल छोले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए, पनीर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर मैं रेटिंग दिखाऊँ छोलों में तो छोले मेरे को 10 में से 4 देने का मन कर रहा है, बल्कि 4 भी नहीं देना चाहता, मैं 3 देना चाहता हूँ। पनीर कवर कर लिया है लिहाजा इसको मैं 10 में से 6 और 7 के बीच में रेटिंग देना चाहूँगा, 6.5। हमारे कुलचों के बारे में, ये हमारे दो कुलचे थे और एक लच्छा पराठा। लच्छा पराठा ओवर क्रिस्पी होने की वजह से इसको मैं रेट करूँगा 10 में से 6, क्योंकि जिस जो चीज़ मैं खाने के लिए लाया हूँ मैं खाऊंगा तो मुझे तकलीफ थोड़ी नहीं चाहिए थी, है ना। और हमारा पनीर कुलचा काफ़ी अच्छा था, इसको मैं 10 में से 8 रेटिंग दूंगा, और आलू सेम से। तो रेटिंग हमारी कुछ इस तरह थी। तो इस ये वीडियो हमारी
काफी बेटर बनने वाली है शायद, है ना? और कोल्ड ड्रिंक भी हमारी खत्म हो चुकी है, तो इस वीडियो को हम यहीं पे करते हैं खत्म। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों को जोड़िए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट में मुझे बताइए कि और वीडियो मैं किस तरह से बना सकता हूँ, किस पे बना सकता हूँ, और मेरी वीडियो को और इम्प्रूव कैसे करें, ताकि मैं आपके लिए इस तरह का भोजन लाता रहूँ और आपके मुंह में पानी लाता रहूँ। प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियोस को, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँ। सो प्लीज़ स्टे कनेक्ट, ईट विद विशेष।